अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुर लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये कि भैंस है, ये नॉर्मल डिलीवरी कर रही है। इन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे यूट्रस में हाथ डालने की ज़रूरत महसूस ना हो सकी। तो ये भैंस तकरीबन आधे घंटे के बाद नॉर्मल डिलीवरी के साथ ये अमल क्लियर हो चुका था। साथ ही ये गाय खड़ी हुई थी, गाय की पी टेस्ट उन्होंने करवाई। पी टेस्ट में हमने देखा तो ये गाय तकरीबन 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो बता रहे थे कि पहले किसी डॉक्टरों ने चेक की तो वो नॉन प्रेग्नेंट कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पी टेस्ट में, प्रेगनेंसी टेस्ट में अल्लाह की मेहरबानी से 35 दिन से लेकर मुकम्मल तौर पर हम जानवर की पी टेस्ट में अबूर रखते हैं। और ये कोशिश करें, जितने भी हमारे पास दोस्त डॉक्टर हैं, कोशिश करें जितनी देर तक मुकम्मल तौर पर सर्वेक्स और हार्न वगैरह और फिटस वगैरह की तशीस ना करें, उतनी देर तक रिज़ल्ट ना दें। अपने आप को इतना माहिर कर लें ताकि आपको फौरी पता चल जाए। माशाल्लाह, साढ़े 5 महीने की गब्बन है, बच्चा पूरा बनया है। फिर उन्होंने समझ लगी डॉक्टर साहब, तो फिर फ्रिज की आइटम होती ने, फिर आम तौर पर नहीं गोल रखी असर को मिल जाता। शाम मुंडे तेली को मंगा के लवा दी, होर तो नहीं डंगर चेक करना।